जहानाबाद जिले के सकूराबाद प्रखंड के रघुनाथगंज सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित सप्त दिवसीय और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतिम दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी भगवान भास्कर का दर्शन करने के लिए पहुंचे। जय श्री राम, जय माता दी, भारत माता की जय एवं अन्य नारों के साथ रघुनाथगंज और सकूराबाद के लोगों ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का स्वागत किया। बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका और रघुनाथगंज सूर्य मंदिर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मंदिर के संरक्षक रविंद्र भगत ने उप मुख्यमंत्री को मंदिर का स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मंदिर और यज्ञ भूमि का दर्शन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रेणु देवी ने क्या कहा, सुनिए। मिलेगा और काम करने की जो प्रवृत्ति है वो एनर्जी से होता है और एक शुद्ध वातावरण मिलेगा और इसे हम काम करने का जब एनर्जी करेंगे, मन जब साफ होगा, भगवती के पास, बाबा के पास जब हम बैठेंगे तो काम करेंगे तो उससे भी हम विकास का काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मांग है प्रखंड बनाने, इसमें आप क्या देखिए आगे।